हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैभव विस्तार से। टुडे इज 13th of January और सुबह सुबह उठा एक अच्छी सी न्यूज़ आई। वो न्यूज़ क्या थी आप देख के आओ, फिर मिलता हूँ मैं आपको। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आप सभी को। मेरा व्लॉगिंग करने का काफ़ी टाइम से मन था, मतलब कॉलेज लाइफ में मैं सोचता था कि मैं जहाँ भी ट्रैवल करूँ उसको कैमरे में कैप्चर करूँ, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सभी के साथ शेयर करूँ। लेकिन यार क्या बताऊँ कि हर बार मैं ना करने के ज़्यादा बहाने सोच लेता था करने के बजाय, तो नहीं हो पाता था। लेकिन इवेंचुअली इस बार नॉर्थ ईस्ट जाने के पहले मैंने डिसाइड किया कि यार आई विल डू इट, लाइफ इज़ प्रीटी शॉर्ट। कोविड आया, इतने लोगों को इतना टाइम चाहिए था लेकिन उनको नहीं मिल पाया, तो ऐसे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में। तो मैंने उन बहानों से ऊपर उठ के डिसाइड किया कि मैं सब कुछ कंटेंट कैप्चर करूँगा कैमरे में, फिर आके एडिटिंग करी, फाइनली अपलोड करा। तो और इतना अच्छा रिस्पांस आया आप सभी की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर दैट। बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ उसकी वजह से मेरा। नॉर्थ ईस्ट जाने के पहले मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में कंटेंट शूट कर लेता हूँ, उसको आके एडिट कर लेता हूँ सक्सेसफुली, उसको अपलोड कर देता हूँ, तो मैं गोप्रो लूँगा। या यू हैड इट राइट, मेरा प्लान है गोप्रो हीरो 9 लेने का। तो प्लान क्या है, मतलब मैं ले रहा हूँ। ये प्लान क्यों बना गोप्रो लेने का, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो ये है कि अभी मैं जो सेटअप यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ निकॉन D53 DSLR और नीचे ट्राईपॉड गोरिल्ला स्टैंड है और ऊपर माइक है। तो दिक्कत क्या होती है कि दिस इज़ अ हैवी सेटअप, तो मैं कहीं पर भी ब्लॉगिंग नहीं कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि ये सेटअप को असेंबल करना और इसे ब्लॉग करना इज़ नॉट ईजी। तो अब बाइक के ऊपर सिनेमैटिक शॉट्स नहीं हो पाते हैं, तो फॉर टाइमिंग मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी थी। आप सबकी भी बहुत कंप्लेंट्स आई कि नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ में सिनेमैटिक शॉट्स कम थे, तो अब वो सब रिजॉल्व होने वाला है। द क्वालिटी इज़ गोना इम्प्रूव ड्रास्टिकली और सिनेमैटिक शॉट्स बढ़ेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। और काफ़ी कुछ सीखूंगा गोप्रो आ जाएगा तो। सबसे पहले मैंने अमेज़न से शुरू करा, तो अमेज़न पर मैंने हीरो 9 देखा, हीरो 9। तो अमेज़न पे जो प्राइस था वो सबसे कम था, मतलब ऑनलाइन जो प्राइसेस थे वो सबसे सस्ते थे इन कंपैरिजन टू दी ऑफलाइन स्टोर्स, या लोकल डीलर्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, सबसे पूछा। लेकिन जो इश्यू दिख रहा था मुझे ऑनलाइन लेने में, वो मुझे एक कमेंट ने बहुत परेशान कर दिया। तो वो कमेंट क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। हाँ, दिस इज़ द कमेंट। सो किसी ने पूछा था, दे आर गिविंग वारंटी विद द प्राइस ऑफ 39,999। तो सेलर ने, कोई गैजेट जोन 2020 है, उन्होंने रिस्पॉन्स किया था कि नो वारंटी इज़ अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट परचेज दैट प्राइस। तो ये कमेंट पढ़ के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मुझे ऑनलाइन लेना चाहिए कि नहीं। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि सर्विस सेंटर गोप्रो के हैं भी कि नहीं इंडिया में, तो पता चला कि गोप्रो के सर्विस सेंटर हैं नहीं इंडिया में। तो इट डजेंट मैटर कि मैं ऑनलाइन लेता हूँ कि ऑफलाइन लेता हूँ, और मुझे सर्विस के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बाहर ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो जो बेसिकली जो ऑफलाइन बेच रहे थे गोप्रो को, मैंने कानपुर के लोकल डीलर से बात करी, क्रोमा लखनऊ में बात करी, तो वो सब एक बात कह रहे थे, मतलब जो कानपुर के डीलर्स थे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इसलिए वो सस्ता दे रहे हैं क्योंकि वो ग्रे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ग्रे प्रोडक्ट क्या होता है कि ग्रे माल बेच रहे हैं, मतलब ग्रे माल मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा क्या होता है। तो वो कहते हैं कि ग्रे माल वो होता है जो इस कंट्री के लिए बना ही नहीं, मतलब इंडिया के लिए बना ही नहीं है, यूएसए के लिए बना हुआ है, और ये लोग स्मगल इन कर लेते हैं और उसको इंडिया में बेचते हैं, तो इसीलिए वो सस्ता बेच रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली यूएस में काफ़ी सस्ता है गोप्रो। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या यार, पता नहीं, मुझे तो ऑनलाइन तो ऑथेंटिक दिख रहा है, सेलर भी फुलफिल्ड बाय अमेज़न है, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मैंने कुछ फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर्स हैं उनसे भी बात करी, तो सब ने सजेशन दिया, उन लोगों ने भी ऑनलाइन ही लिया था, तो मैंने फाइनली डिसाइड करा कि ऑनलाइन ही परचेज करते हैं, और मैंने ख़रीद लिया। सो नाउ दैट यू नो कि आज की गुड न्यूज़ क्या थी, तो ये गोप्रो हीरो 9 आ चुका है अमेज़न से, और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इसको खोलने के लिए। बॉक्स काफ़ी सेक्सी लग रहा है, इसके कुछ फ़ीचर्स हैं जो मैं बता देता हूँ। जो GoPro Hero 8 से एक एडिशनल फीचर है, मतलब काफ़ी एडिशनल फीचर हैं, जो कुछ एडिशनल फीचर्स मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि आप 1080p में स्ट्रीम कर सकते हो, अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर डायरेक्टली आप स्ट्रीम कर सकते हो GoPro Hero ऐप के थ्रू। दो स्क्रीन्स हैं, एक फ्रंट स्क्रीन है, एक बैक स्क्रीन है, और दोनों टच हैं।
तो दैट इज़ अ एडिशनल पॉइंट। और 8x लोमो तक शूट करता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेक्सी डिज़ाइन है। तो इसको खोलते हैं फिर, और इसका जो प्राइस मेंशनड है मैं दिखाता हूँ, इफ़ यू कैन सी। मैं थोड़ा, इसका जो प्राइस मेंशनड है बॉक्स पे वो है 49,500। ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा थोड़ा, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है। तो लेट्स ओपन द बॉक्स देन। तो ये केस है इसका, जैसा दिख रहा होगा आपको, तो प्रोटेक्शन के लिए, कैरी करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बॉक्स के अंदर की चीज़ें ये दिख रही हैं आपको। दिस इज़ दी गोप्रो हीरो 9 डिवाइस, और ये इसका सर्कुलर माउंट है, ये हेलमेट के ऊपर माउंट जाता है। ये इसके नीचे एक एडहेसिव सरफेस होती है, इसको खोल के जा लगा देंगे तो प्रेटी मच बहुत स्ट्रांग होल्ड आ जाता है इसको। हेलमेट के ऊपर यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों पे, जो भी कर्व सरफेस होते हैं उनके ऊपर लगता है, और उसके ऊपर माउंट हो जाता है डिवाइस। दिस इज़ दी माउंटिंग स्क्रू, तो ये जब माउंट करेंगे तब देखेंगे। और ये ऐसे करके इसके अंदर जाता है और टाइट हो जाता है गोप्रो हीरो डिवाइस के साथ। दिस इज़ दी बैटरी, जो एक बैटरी मिलती है गोप्रो डिवाइस के साथ वो है। आई डोंट नो इन्होंने मेमोरी कार्ड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। स्टफ है ये सब। तो कीपिंग ऑल दिस असाइड, आप निकालते हैं गोप्रो हीरो 9 डिवाइस अपना। सो दिस इज़ दी गोप्रो हीरो 9 डिवाइस। काफ़ी स्लीक सी डिज़ाइन है। और ये इसकी फ्रंट स्क्रीन है, ये इसकी बैक स्क्रीन है। ऊपर पे एक टच बटन दिया गया है शूट करने के लिए, पॉज स्टॉप ये सब करने के लिए। खोलते हैं इसको फिर। ये इसका चार्जिंग स्लॉट, पावर ऑन ऑफ बटन, ये इसकी शूट बटन, ये इसका माउंटिंग फिंगर्स बोलते हैं शायद इनको। तो ये ऐसे करके हो जाता है, इस पे माउंट होती हैं चीज़ें स्क्रू के साथ। तो दिस इज़ प्रीटी मच। इसको ऑन करते हैं। तो यार मैं बहुत देर से ये साइड पैनल को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बैटरी और चार्जिंग पॉइंट है और मेमोरी कार्ड लगता है, तो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने यूट्यूब पे देखा और फिर अब मैं खोल रहा हूँ। अब यार नए डिवाइस में इतना डर लगता है कि कुछ खोलते हुए टूट ना जाए, तो बेटर सेफ देन सॉरी, यू नो। तो खोलता हूँ मैं इसको। तो इसको खोलने की टेक्निक ये होती है कि इसको, ये जो नीचे वाला एक सर्कुलर सरफेस दिख रही है आपको, इसको पुल करिए नीचे और इसको खोल दीजिए। सो ये बैटरी में एक ये स्ट्रिप दी जाती है, जब आप निकालो गोप्रो से बैटरी को तो इसको पकड़ के निकाल सकते हो, क्योंकि स्पेस जो होती है वो उतनी होती नहीं है, पकड़ नहीं पाओगे ऐसे। अब इन्होंने मेमोरी कार्ड तो दिया नहीं है यार, गोप्रो क्या कर रहे हो यार, 50,000 का डिवाइस है और मेमोरी कार्ड नहीं दे रहे हो। तो इट इज़ आस्किंग मी टू इंस्टॉल दी गोप्रो ऐप। अब मैं फ़ोन पे गोप्रो ऐप कर इंस्टॉल करूँगा और इसको इससे कनेक्ट करूँगा। तो लेट मी डू। तो मैंने कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल के गोप्रो में लगा लिया था, और टेरेस पे आया हूँ, थोड़े से स्लोमो शॉट्स लिए हैं, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई होप गोप्रो डजेंट डिसअपॉइंट मी, और नहीं करेगा ऑब्वियसली, बहुत सारा पैसा लगा है तो क्वालिटी तो देगा ही। और अभी मेरे पास स्टिक नहीं है गोप्रो की, तो मैं हेलमेट वाले माउंट को पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब जो भी व्लॉग्स रिकॉर्ड होंगे प्रॉब्ली गोप्रो के थ्रू ही होंगे। तो आप बताइएगा कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई है और क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो आप इन्जॉय करो कुछ स्लोमो शॉट। तो अगर आपको ये वाला ब्लॉग या इसके पहले के जो नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ के ब्लॉग्स हैं वो पसंद आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
क्योंकि मैं जो भी पास्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, जो भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा हूँ, वो सब वहाँ शेयर करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय।